हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, फ्री डिस्क छतरी को कैसे सेट करेंगे इजीली और सैटेलाइट फाइंडर से, इसलिए मैं सैटेलाइट फाइंडर का वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है छतरी कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करने के लिए ड्रिल का ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो ड्रिलिंग करके आप अपना छतरी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। यहाँ पर मैंने ड्रिलिंग करके फासना लगा के और यहाँ पर छतरी को इजीली लगाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे इंस्टॉल अच्छी तरीके से कर पाऊँ। तो फ्रेंड, हमारा जो यहाँ पे है, मैंने यहाँ तक तो कर लिया। अब फ्रेंड इसको लगा लेते हैं और आप भी यहाँ तक तो कर ही लेंगे वीडियो में, यहाँ तक तो कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे का सेटअप मैं दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इस वाली बोल्ट वाली स्क्रू को लगा लेते हैं और चलिए यहाँ पर फटाक फटाक तुरंत तुरंत मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में। तो चलिए मैं तुरंत ही लगा लेता हूँ और दोनों तरफ का मैंने यहाँ पे लगा लिया हूँ। और फ्रेंड, जब तक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वीडियो को, चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड, ऐसे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है और आने वाले दिनों में भी मैं ऐसा ही वीडियो को अपलोड करते रहूँगा ताकि आप सभी का सुविधा हो और आप लोग इजीली अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ और अपना काम, अपना घर का जो काम है वो इजीली अपने ही कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस करना है यहाँ पे खोल के, और छतरी को सेट करना पड़ता है कि चारों साइड घूमना चाहिए। तो एंगल को, इस वाली नट को खोल के आप सेटअप कर पाएंगे। तो मेरा जो है चारों साइड नहीं घूम पा रहा था, तो यहाँ पे इस वाली एंगल का जो नट बोल्ट को खोल के मैंने थोड़ा सा रोटेट किया और उसके बाद सेट किया। हो सकता है कि आपका सेट हो जाए इजीली, तो आपको करने का ज़रूरत ना पड़े। हमारा देख लीजिएगा या अगल बगल का छतरी को एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होती है तो, क्योंकि मेन आपका जो उपाय है अगल बगल की छतरी वो कैसे सेट किया हुआ, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको सिग्नल मिलाने का तरीका मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक, वहाँ तक तो आप सेटअप तो कर लेंगे, लेकिन सिग्नल मिलाना कैसे उसके लिए भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारे चैनल पे बहुत सारे रिलेटेड वीडियो बना हुआ और हमारा पोडडेक भी लॉन्च किया हुआ। जिसको जिसको हमारे पोडडेक और वीडियो को देखना है और पोडडेक को बाय करना है तो इजीली बाय कर सकते हैं। और हमारा जो है डिजिटल क्लॉक का अभी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में चल रही है पोडडेक, अपने होम के लिए भी डिजिटल क्लॉक आप बना सकते हैं इजीली अपने से ही। तो उस वाली वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिएगा। और कंट्रोलर जो है आप हमसे परचेज कर पाइए बहुत ही कम रेट में। तो उस कंट्रोलर का जो प्राइस है फ्रेंड 700 रुपये के अंदर है और उसमें फैसिलिटी जो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे भी लगा लेते हैं स्क्रू फास्टनर और यहाँ पर भी टाइट कर लेते हैं सीटे में। तो इतना हद तक तो आप काम कर ही लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको भी टाइट कर लेते हैं स्क्रू को। यहाँ तक तो आप काम कर लीजिएगा फ्रेंड। अब आती है बारी आपकी सेटिंग की। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अब आती है बारी आपको सैटेलाइट फाइंडर सेटिंग का। ये सॉलिड कंपनी का ब्रांडेड जो है, सॉलिड कंपनी का ये सैटेलाइट फाइंडर है, सबसे हाई क्वालिटी का, और इससे भी हाई क्वालिटी का मिल ही जाता मार्केट में। मैंने सोचा कि इसमें सारा चीज़ सेटअप सेट हो ही जाता, तो फिर इससे हाई क्वालिटी लेने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए, इसमें भी काफ़ी मस्त जो है सेटिंग हमारा जो हो जाता है। तो यहाँ पर जाएंगे फाइंड डिवाइस में, तो चलते हैं फाइंड डिवाइस में। और एक मिनट में आपका जो छतरी है फ्रेंड सेट होगा। चलिए फाइंड डिवाइस में गए, डिश टीवी में सेट ये करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मशीन को रख देंगे। अब आते फ्रेंड इसका जो सेकंड वाले कनेक्टर है एल एन बी में लगाएंगे। इस एल एन बी ख़राब होगा तो यहाँ पे एक पॉइंट नहीं बताएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कौन सा पॉइंट नहीं बताएगा।
तो फिर हमारा LNB यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद LNB का जो है सेकंड वाली पॉइंट यहाँ पे हमारा जो मीटर में आना चाहिए, जैसे कि अभी रेड वाली पॉइंट आ रही है। देखिए यहाँ पे रेड वाली पॉइंट आ रही है, 60-70 के आसपास आना चाहिए वो, तो समझेंगे कि हमारा जो LNB ठीक है, नहीं तो LNB ख़राब है। अब चलिए यहाँ पर ये वाले तीन नट को ओपन करेंगे, मतलब खोलेंगे और थोड़ा सा ढीला लूज करेंगे और ढीला करेंगे ताकि यहाँ पे रोटेट अच्छी तरीके से मैं करवाऊँ। तो यहाँ पे आप रोटेट कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो है ऊपर वाले नट को भी रोटेट करेंगे। तो चलिए आगे दिखाता हूँ, ये वाली नट इसको भी थोड़ा सा ढीला करेंगे और ढीला करने के बाद यहाँ पे आगे पीछे करके यहाँ पे छतरी को एडजस्ट करेंगे। तो चलिए फटाक से ढीला कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे ढीला कर रहा हूँ और ये देखिए हमारा जो ये नट है इसको ढीला कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो ये कितना मस्त यहाँ पे नट को ढीला हो जा रहा है और इजीली यहाँ पे थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। नया छतरी है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, पुराना छतरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फ्रेंड। हमारा जो है पुराना छतरी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए हमारा जो है ढीला हो चुका है, अब मैं छतरी को एडजस्ट करके दिखाता हूँ। एक मिनट में छतरी का सिग्नल आएगा फ्रेंड, कोई टाइम नहीं लगेगा। अब चलिए मैं यहाँ छतरी को घुमाता हूँ और आपको दिखाता हूँ सिग्नल कैसे यहाँ पे आती है चुटकियों में और एक मिनट में। तो आपके पास कुछ भी हो एक मिनट में सिग्नल आएगा। तो चलिए मैं मशीन को यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार और इसको छतरी को आगे पीछे करके एडजस्ट करता हूँ। जो भी डायरेक्शन में सिग्नल आता है उस डायरेक्शन में चारों साइड घुमाने से आपका सिग्नल आ जाएगा। हमारा जो यहाँ पे फ्रेंड सिग्नल आ चुका है, ऊपर वाले भी रेड था तो वो भी सही से आ गया और नीचे वाले जो है वो भी ठीक ठाक से आ गया। देखिए छतरी में कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रोटेट किया, इधर उधर घुमाया और हमारा जो सिग्नल आ गया। तो आप भी ऐसे करेंगे तो आपका भी सिग्नल आ जाएगा। तो 60, 68, 59 आसपास का सिग्नल यहाँ पर दिखा रहा। तो यहाँ पे 68 के आसपास सिग्नल को सेट करेंगे, उससे ज़्यादा सिग्नल सेट ना करें, इसी के आसपास में आपको जो है सारा सिग्नल आ जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हमारा जो सिग्नल यहाँ पे सेट हो चुका है एक मिनट में। और चलिए यहाँ पे सभी स्क्रूब को टाइट कर देते हैं फटाक से और उसके बाद आपका जो है काम सक्सेस हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, और फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने अच्छा सा एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा था कि और भी कुछ अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिला फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से नए वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड।